नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो जैसे कि हमने कल निफ्टी पे हमने ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनाया था, तो आज हमने देखा कि निफ्टी उसके ऊपर गया था, गैप फिल नहीं कर पाया था। जैसे कि हमें लग रहा था कि कल निफ्टी पे गैप फिल हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट आज एक फॉल आ गया और उसके बाद वापस से निफ्टी अब एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, इसके अंदर हमने देखा था एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनते हुए और उसका ब्रेकआउट आज हमें मिलने वाला था, बट ये नहीं मिला और वापस से ये चैनल के अंदर आ गया है, ब्रॉडनिंग चैनल के अंदर। इसके अंदर अब हमें कैसा व्यू बनाना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो ये ब्रॉडनिंग वेज के अंदर निफ्टी वापस आ चुका है। निफ्टी वापस आने के बाद ये थोड़ा सा बेरिश मूव आ सकती है आगे आने वाले दिनों में, बट क्या हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए? नहीं। तो हम एक और दिन के लिए प्ले आउट करेंगे ऑन अ सेफ स्टॉक विच आर रिवर्सल और ब्रेकआउट सून कैंडिडेट। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हम जो नेक्स्ट डे में अब जो इंट्राडे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे जो हमने थोड़े स्टॉक्स में किया है, वो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा रिस्क कम रहे, ओके, और एक डिसेंट अप मूव मिल सके ऑन एन इंट्राडे बेसिस। और 2-3 स्टॉक हम पोजिशनल भी डिस्कस करेंगे जो हमें अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये जो निफ्टी में गैप फिल आज अचीव नहीं हो पाया, बट इसका जो हाई है आज के कैंडल का, ये काफी एक क्रूशियल लेवल बन चुका है। बिकॉज अब जब नेक्स्ट टाइम इस लेवल के ऊपर भाव जाएगा निफ्टी का, तो हमको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है, ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न बना था उसका एक ब्रेकआउट मिल रहा है। सो वो टाइम पे हम गैप फिल पे अब ये नहीं करेंगे कि यार ब्रेकआउट मिल गया, ओके, सिर्फ 60-70 पॉइंट्स की मूव ली देन सोल्ड कर दिया, नहीं। तो अब अगली बार जब भी ये हाई क्रॉस करेगा तो हमें एक बड़ा टारगेट मिलेगा। टिल देन, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सेफ स्टॉक्स देखते हैं जो हमने निकाले, ओके, और इनमें जब भी हमें एक्ट करना चाहिए जब हमें इनका रेजिस्टेंस लेवल टूटते हुए दिखाई। ब्रेंट के ऊपर भी एक अपडेट ले लेते हैं। कल जो हमने ब्रेंट पे पैटर्न देखा था, इसके ऊपर हमने ये चीज देखा था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनते हुए और उसका हमें ब्रेकडाउन मिल गया। एंड इसके जो टारगेट्स हैं, आपका फर्स्ट ट्रायंगल का लेंथ आप देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, लगभग इसके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो अब थोड़ा हम सेफ खेलेंगे और जो इंट्राडे में हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं उसमें से सबसे पहला स्टॉक मैं इधर डेली चार्ट लगा लेता हूं, ब्रिगेड एंटरप्राइज का, ओके। तो ये ब्रिगेड एंटरप्राइज अगर आप देख सकते हो, आप ये जैसे देख सकते हो, ये स्टॉक सपोर्ट पे है और सपोर्ट लेवल से ये रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। तो अगर हम देखें, इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बट हम नॉर्मली बुलिश एनगल्फिंग साइडवेज में अवॉइड करते हैं, बट क्योंकि ये स्टॉक सपोर्ट लेवल पे है और उसके बाद फॉलो अप भी हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने मिली है, तो हम इसके अंदर इंट्राडे के हिसाब से एक स्मॉल टारगेट के हिसाब से इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सिंपली अगर इसका हमें ये पर्टिकुलर लेवल विच इज 470, ओके, ये कैंडल का हाई जो लेवल हमें देख पा रहे हैं 470, अगर ये 470 का लेवल निकलता है तो इट माइट अगेन ट्राई टू ओवरकम दिस लेवल, बट हमें मोटा मोटी एक 500 रुपए तक की मूव इसमें मिल सकती है। सेकेंड स्टॉक अब हम इसमें देखते हैं, वो है जमुना ऑटो, ओके। इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन पहले से ही बनाया हुआ था, इसे हम कहते हैं राइजिंग एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ओके। एक काफी बड़े समय तक हम देख सकते हैं ये स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। जब रिसेंट प्राइस एक्शन डेटा देखते हैं तो हमें इधर दिख रहा है कि थोड़ा नैरो रेंज के अंदर साइडवेज हो चुका है, मार्केट के फॉल के अंदर इसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है और आज के इस मार्केट जो जिस हिसाब से आज गिरा उसमें भी ये स्टॉक
एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट रहा है। प्लस हमने ये देखा कि हमारे जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसे कि कल के वीडियो में हमने लिंडे इंडिया देखा था तो उसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। वैसे ही हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ से ये भी रिवर्स मार सकता है। तो अब हम इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर इसका कैंडल के हाई का निकलने का वेट करेंगे, देन वन कैन टेक ट्रेड एज पर देयर आरआर रेट। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया। ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि इस स्टॉक ने अपना चैनल तोड़ दिया है, एक राइजिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड हो रहा था, हम देखते हैं सी दिस, और अब ये इसके नीचे फॉलो अप देने में फेल रहा। ओके, तो कभी भी एक पैटर्न कोई ब्रेकडाउन होता है हमें उसके बाद फॉलो अप मूव देखना पड़ता है कि उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आ रही है कि नहीं। इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जब इसका राइजिंग चैनल का पैटर्न ब्रेक हुआ तो इसके बाद हमें एक फॉलो अप सेलिंग मूव नहीं देखने मिली और ये पर्टिकुलर काउंटर वापस से अब इस चैनल के अंदर ट्राई कर रहा है टू री एंटर दिस चैनल और उसके बाद वो मोमेंटम गेन करेगा। तो ये पर्टिकुलर काउंटर इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है क्योंकि ये एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट की तरह हमें एक ट्रेड सेटअप दे रहा है। सेकेंडली आप ये देख सकते हो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन जो हमने यहाँ ड्रॉ की है, जैसे ही ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन निकलेगी ऑटोमेटिकली आपका चैनल के अंदर तो आ ही जाएगा स्टॉक, प्लस काफी एक फास्ट मोमेंटम देखने मिलेगा बिकॉज काफी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ये एक फॉलिंग लाइन के हिसाब से सेट होते हैं। अब हमें ये एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट की तरह दिख रहा है अपने चैनल के लोअर सपोर्ट पे। इसके अंदर हमें सिंपल सा एक ट्रिगर लगाना है, वो है ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन। फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन वो होती है जहाँ पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलते हैं। ओके, ये सारे लोअर हाई हैं, अगर आप देखो सारे लोअर स्विंग हाई है और ये लेवल निकलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये पर्टिकुलर काउंटर चैनल के अंदर वापस आ जाए। अब अगर हम बाकी FMCG काउंटर देखें जैसे ITC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, स्पेशली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने आज के दिन एक अच्छा मूव दिखाया है, तो इस हिसाब से इसके पीयर्स में ऑलरेडी एक मूव आ चुकी है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर को हमें वॉच आउट पे रखना चाहिए। जैसे ये ट्रिगर निकलेगा वैसे ही वन कैन एक्ट अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा काउंटर है वो है मिंडा कॉर्प। ओके, तो मिंडा कॉर्प अगर हम देखें तो अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता जा रहा है, मार्केट के साथ इसने भी करेक्शन दिया है लेकिन एक काफी एक मिनी चैनल, एक मिनी फॉलिंग चैनल का ये एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखें इसमें आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट ये 3 महीने से एक डिसेंडिंग चैनल में था, लेकिन एक छोटा है एक मिनी चैनल हम इसे बोल सकते हैं और इसका हमें एक ब्रेकआउट मिला है। बट इसका जो एक्चुअल लेवल है जिसके बाद हमें एक काफी फास्ट मूव देखने मिलेगा वो है 210। ओके, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका निकल के आ रहा है वो है 210। सो इसके अंदर दो ऑप्शन से आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। पहला हम ऑप्शन देखेंगे, अगर थोड़ा ये करेक्शन होता है, ये सेम हमने पिछले स्टॉक में देखा था, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं इसे, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन हम सारे हाईस को कनेक्ट करते हुए बना देंगे तो इससे हमें एक ये रेजिस्टेंस था जो अभी ब्रीच हो गया, तो वापस से अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो वन कैन अक्यूमुलेट और आपका रिस्क छोटा हो जाएगा इसके अंदर। ओके, या फिर अगर किसी को एग्रेसिवली प्ले आउट करना है तो इसके हाई का निकलने का इंतजार कीजिए इस पर्टिकुलर कैंडल का जो है अराउंड 203 लेवल, एंड देन वन कैन टेक अ ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज आर। अब हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है पॉलीप्लेक्स। नाउ ये काउंटर ने आज काफी अच्छा एक वॉल्यूम हमें पॉपअप दिया है। अगर हम देखें इसके अंदर वॉल्यूम वॉज डाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड और आज हमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, पर ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाए, तो ये सेम लेवल अब हमारे लिए
नेक्स्ट डे के लिए मतलब ट्रिगर का काम करेगा, बाय ट्रिगर का काम करेगा। अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलता है तो ये हमारे लिए एक बाय ट्रिगर होगा, और इसमें अकॉर्डिंगली आज के क्लोज के आसपास कोई भी अगर एसएल लगाना चाहे तो फुल लगा सकता है। तो छोटे रिस्क के सामने एक बड़ा मूव का हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो अब हम हमारा नेक्स्ट काउंटर देखते हैं जो है सोना BLW प्रीसीजन। तो देख सकते हो अगर इस पर्टिकुलर मिनी चैनल को, ओके ये भी एक ऑटो सेक्टर का ही है स्टॉक, प्लस ये भी अराउंड फॉर अ क्वार्टर एक मिनी फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। आज हमें एक ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी दिखा इस पर्टिकुलर काउंटर में, बट ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो इसका जो कैंडल का हाई है हमें एज अ ट्रिगर की तरह एक्ट करना, तो हम इस कैंडल के हाई को एज अ ट्रिगर मार्क कर लेंगे। व्हेनेवर द प्राइस गोज अबव दिस लेवल, ओके जैसे ये अपने लेवल के ऊपर जाएगा ट्रिगर के ऊपर, तो इसी कैंडल के लो का वन कैन कीप एन एसएल एंड कैन टेक दिस ट्रेड टू द लेंथ टू द विड्थ ऑफ द चैनल। तो हम देख लेते हैं अगर इसको किसी को इंट्राडे में करना है और पोजिशनल करना है तो बोथ वेज वन कैन लुक ऑन दिस काउंटर। तो लगभग हमें चैनल के विड्थ का टारगेट आता है, दैट इज अराउंड 715। ओके अब हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ने भी एक काफी अच्छा ट्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, बट सेम हम इसे क्लोन करेंगे। ओके तो हम देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये भी एक राइजिंग चैनल के अंदर वरुण बेवरेजेस ट्रेड कर रहा है काफी लंबे समय तक। अब ये काउंटर भी इसीलिए क्योंकि मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है, निफ्टी वापस से अपना थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है, पर क्योंकि इसके अंदर एसएल काफी नजदीक है तो हमारा रिस्क कम हो जाता है और एक अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट की तरह ये भी एक्ट करता है। आप देख सकते हो इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे काफी सेलिंग थी, बट यहाँ पे बुल्स ने देवर एबल टू एब्जॉर्ब द सेलिंग प्रेशर। ठीक है, जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लिया बुल्स ने, और यहाँ पे आज के दिन एक गुड ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली। तो इसके अंदर जब ये लेवल क्लियर आउट होता है देन वन कैन टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली ऑन एन अपसाइड। ओके तो नेक्स्ट काउंटर है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये पर्टिकुलर काउंटर को अगर आप देखते हो तो हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि ये काउंटर एक काफी अच्छा रनअप दे चुका है, और जब ये रनअप दे रहा था वन वे इसने भी काफी पैटर्न बनाए, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न। ओके और अब ये काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अब हम इसका रीसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले हमें एक ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके तो ये इसका एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न मिल रहा है ऑन एन आर्ली चार्ट। ओके तो किसी को इसके अंदर ट्रेड सेटअप बनाना है तो इसका जो हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ओके ये हाई के निकलते ही हमें इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें ये बाय ट्रिगर है हमारे लिए इस ग्रीन कैंडल का हाई। ओके अब जब ये वापस से रिट्रेस कर रहा है हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, बट मेजरली ये इसके काफी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट। तो अगर हम देखें बेसिकली इधर एक फॉलिंग मिनी चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे इसका हाई निकलेगा ऑफ अ ग्रीन कैंडल तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से इसके ऊपर आप ऑर्डर डाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट काउंटर है ये आप पोजिशनल के लिए डिक्सॉन भी रख सकते हो। ओके VBL भी आपका एक पोजिशन प्ले बन सकता है ऑफ द चैनल टारगेट। डिक्सॉन को भी आप पोजिशनल प्ले क्लिप कर सकते हो इंट्राडे एज वेल,
एंजल भी एक पोजिशनल प्ले के लिए आप रखो, इसके अंदर हम देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, और ये पर्टिकुलर लेवल जो आ रहा है 1430 के आसपास का, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हमें एक काफी वन वे अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ पे हमने इसलिए स्पॉट किया है इसे क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर लेवल इसके अंदर रिस्क कम, काफी कम है। ओके, तो हमारा सपोर्ट लेवल इधर मिल रहा है, ये छोटे से प्राइस बैंड में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इसको ब्रेकआउट सून के अंदर हमने डाला है, तो इसके अंदर ब्रेकआउट आने के आशा लग रहे हैं लुकिंग एट द रिसेंट वॉल्यूम भी, और छोटा सा रिस्क है, ट्रेंड इज वन वे अप, तो इसको हम पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये था हमारा आखिरी काउंटर। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी थॉट है आप कमेंट सेशन में नीचे लिख सकते हैं। अगर कुछ लगता है हमें कुछ इम्प्रूव करना है तो ज़रूर लिखिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो इन अ next step.